नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं देवयानी व्यास। और चलिए एक बड़ी खबर का रुख करते हैं, जहां पर चित्तौड़गढ़ में गुर्जर समाज में आक्रोश है। फायरिंग विवाद में युवक की मौत के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। देवनारायण मंदिर से कलेक्ट्रेट तक मौन जुलूस निकाल रहे हैं गुर्जर समाज के लोग। मुआवजे की मांग को लेकर लोग अड़े हुए हैं। मृतक पुष्कर के शव के आने का इंतजार कर रहे हैं। मौके पर पुलिस जाप्ता भी मौजूद है। 18 जुलाई को बोजुंदा में बजरी विवाद को लेकर फायरिंग हुई थी, जिसके बाद पुष्कर नामक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसे अहमदाबाद में इलाज चल रहा था, लेकिन देर रात युवक ने दम तोड़ दिया। चित्तौड़गढ़ में गुर्जर समाज में आक्रोश, मौन जुलूस निकाल रहे हैं। देवनारायण मंदिर से कलेक्ट्रेट तक मौन जुलूस निकाला जा रहा है गुर्जर समाज की ओर से। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान में। 18 जुलाई को बोजुंदा में बजरी विवाद को लेकर फायरिंग की गई थी, जिसमें पुष्कर नाम का एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था और बीती रात युवक ने दम तोड़ दिया। वहीं बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में भारी बारिश हो रही है। श्री डूंगरगढ़ में सड़कों, दुकानों और घरों में पानी भर गया है। मुख्य बाजार में चारों तरफ पानी ही पानी हो गया है। वाहन चालकों को इससे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं लोग भी घरों से पानी निकालने में जुटे हुए हैं। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते सड़कें लबालब पानी से भर चुकी है। मुख्य बाजार में चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। श्रीडूंगरगढ़ में सड़कों, दुकानों और घरों में पानी भर गया है, जिसके बाद लोगों के घर में भी पानी भर गया है, जिससे लोग घरों से निकालने में जुटे हुए हैं। और तस्वीरें आप देख सकते हैं, झमाझम बारिश हुई है श्रीडूंगरगढ़ में, घुटनों तक पानी भरा हुआ है और काफी गर्मी और उमस के बाद जो है लोगों को राहत मिली है। वहीं पानी भी भर गया है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चलिए बुलेट की रफ्तार से खबर।